मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें योगी सरकार 2.0 का नया नारा भी दिया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर समूचे लखनऊ में तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर इकाना स्टेडियम तक के इलाके को सजाया गया। हर तरफ बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम तक हर चौराहे को साफ करते हुए सजावट की गई है। स्टेडियम से पूरे रूट पर सैकड़ों छोटे बड़े गमले रखे गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल को ठीक किया गया है। सड़कों पर रंग रोगन किया गया है। चौराहे पर बने फवारों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम के पूरे इलाके में अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की है। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। साधु संतों और उद्योगपतियों को भी न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने समारोह स्थल में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की है। 3 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था हुई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। इकाना स्टेडियम के सामने 5000 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेदांता अस्पताल के पास 1000 बस खड़े किए जा सकते हैं। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई नामी लोग आएंगे। इसको देखते हुए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी का विशेष विमान इकाना स्टेडियम के ठीक पीछे बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। गेस्ट हाउस बुक किए गए हैं। इसमें 1500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की है। अब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में है। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।